इसलिए इसो बच्चे आते हैं, इसो बच्चियां आती हैं क्लास में, इसो माताएं तो सब आती है मंदिर में, इसलिए ये क्लास देते हैं, ठीक है ना। ये जो बच्चों का नाम तुम ऐड करना, तो दे दे, ये बच्चों का नाम ऐड कर देना, और ये बच्चों का नाम, और मंदिर में आया करना। जैसे मुझे लगता है शनिवार ने संडे इसे बीच बीच में देते हैं, और बीच बीच में बच्चों को क्लास देते हैं। हाँ, एक बाबा है वो क्लास देते हैं, सब बच्चे में आना, ठीक है ना। उसमें आओगे तो पढ़ाई बढ़िया होगी तुम्हारी, मन इधर उधर भटकेगा नहीं, ज्यादा मोबाइल में मन नहीं लगेगा, ज्यादा मन लगेगा तो पढ़ाई में मन लगेगा, भक्ति में मन लगेगी ज्यादा, ठीक है ना। आओगे ना, हाँ, देखना बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ा शांति मिलेगा, भगवान की भक्ति में बड़े शांति मिलेगी, ठीक है बच्चों। इसलिए भगवान की भजन करो और पढ़ाई करो, पिता माता को आदर दो, पिता माता को सम्मान दो, आप भी दोनों भजन करना, ठीक है ना। क्योंकि आपका संस्कार बच्चे के ऊपर, आपका संस्कार बच्चे के ऊपर पड़ेगा। अगर आप बच्चे देखना, अगर भक्ति करते हैं ना बच्चे, कभी पिता माता का बात को अनादर नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, क्योंकि वो संस्कार पड़ा है ना, पिता माता से हम ऋणी है, उन्होंने हमें जन्म दिया है, हमारी कर्तव्य है पिता माता की सेवा करना, क्योंकि वो संस्कार पड़ेगा उनके ऊपर, नहीं तो बच्चे लोग अनादर करेंगे, बात नहीं सुनेंगे। हैं, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ, 2 मिनट कीर्तन कर दो, बाबा भी क्लास में आओ, हमारे पीछे पीछे कीर्तन करना। बोला हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बढ़ते बच्चा दे दो, हरे राम 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 हरे हरे। संस्कृति है हमारी, जो सनातन संस्कृति है, उसमें बताते हैं ना, कहीं अगर कीर्तन में जाओ ताली बजाओ, क्या करो, इसमें भी साइंस है। हमारे जो ऋषि मुनि लोग थे वो छोटे मोटे साइंटिस्ट नहीं थे, वो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे। क्या थे? बड़े बड़े साइंटिस्ट। अभी तुम लोग तो पढ़ाई कर रहे हो, देखना कभी कभी साल साल में पुस्तक बदली जाती है, कभी कभी साल साल में पुस्तक बदली जाती है। क्यों बदली जाती है? एक साइंटिस्ट ने एक थ्योरी बोल कर गया, और दूसरा साइंटिस्ट ही आकर के उसको थ्योरी को काट देता है, काट देता है, इसलिए क्या होता है, फिर पुस्तक बदली जाती है पुस्तक, क्योंकि वो साइंटिस्ट ने ये बताया, दूसरा साइंटिस्ट ने उसको पूरा थ्योरी को काट कर चला गया। लेकिन हमारी जो रामायण है, जो गीता है, हमारे भागवत है, अभी उसका कोई गोस्वामी तुलसीदास जी का जो रामचरित मानस है, उसका पयार अभी किसी ने कुछ बदला है या कभी? हमारे वेद का कोई अक्षर बदली है? भागवत का कोई अक्षर बदला? कोई बदला नहीं। बोले क्यों? वो लोग परफेक्ट साइंटिस्ट थे, इसलिए उन लोगों ने जो कुछ बोल कर गए हैं वो अपना दिव्य दृष्टि से देख करके, भजन करते हुए, प्रभु का दर्शन करते हुए वो बात बता कर गए, इसलिए उनका कभी हमारे गीता रामायण का कोई एक अक्षर भी नहीं बदलती है, लेकिन और सारी चीज बदली जाती है। इसलिए कहते ताली क्यों बजाते हैं? अब रामदेव का योगा देखे हो, योगा ऊर्जा शरीर का, सारी ऊर्जा प्रकट हो जाएगा शरीर में, हाथ और पैर से सर में सब जुड़ा हुआ है, सबके सब, इसलिए ताली बजाने से जितना नस सब खुल जाती है, सारी नस खुल जाती है, इसलिए। और ताली बजाने से हम ताली कहाँ पर बजा रहे हैं? ठाकुर जी की कीर्तन में ताली बजाते हैं। कहाँ पर ताली बजा रहे हो? जैसे हम कहते ना भैया ताली बजा करके उनको स्वागत करो, लेकिन यहाँ पर किसकी स्वागत में ताली बजा रहे हो? ठाकुर जी की है। इसलिए अगर हाथ के रेखा अगर थोड़ी उल्टा सुलटा हो, अगर भगवान का कीर्तन में ताली बजाओगे तो सारी रेखा ठाकुर जी बदला देंगे। गड़बड़ी जितना रेखा है ना, ठाकुर जी सारी रेखा को, गड़बड़ी को एकदम सही कर देंगे, ठीक है ना। जो जितने जोर से ताली बजाएगा भाग्य रेखा बदली जाएगी, और शरीर हाथ ताली बजाने से क्या होगा, तुम्हारी सारी बीमारी भी सही हो जाएगी। इसलिए एक एक्यूप्रेशर सुने होंगे, एक्यूप्रेशर सुने हो? हाँ, अभी चाइना में सबसे ज्यादा, लेकिन पहले भारत में था, लेकिन सबसे ज्यादा चाइनीज लोग इसको अभी व्यवहार करते हैं, भारत में भी धीरे 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 आ रही है, इसलिए जोर जोर से ताली बजाओ। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे। बोलो बोला।
Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरिलाल की जय। आज के आनंद की जय। जय श्री राम। आपको ये प्रभु जी थोड़ी सी कथा सुनाएंगे। ये भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। अरे बात क्यों कर रहे हो? कहते ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये नोएडा में नौकरी करता था। इसकी तनख्वाह करके 1,00,000 रुपया थी, लेकिन उन्हें सब छोड़ के बाहर बन गए। अभी वो कुछ आपको बताएंगे, भक्ति की कुछ बात बताएंगे। बोलो। अज्ञान के मेरा अंधस्य ज्ञान अंजन शला के हम चक्षुर फलितम येन तस्मै श्री गुरु नमः। कितने लोग को यहाँ पे लग रहा है बाबा आके कितना यज्ञ कर रहे थे, सब धुआं धुआं करके चले गए, बैठना भी मुश्किल हो रहा है, है ना? अच्छा कुछ सालों पहले जो भोपाल में गैस कांड हुआ था, उसके बारे में किस किस को पता है? भोपाल में गैस कांड हुआ था, बच्चा आप लोगों ने सुना है? हिस्ट्री में पढ़ा भी नहीं? कुछ टाइम पहले भोपाल में गैस बस्ट हो गया था, तो उसके कारण काफी लोगों की मौत हो गई थी वहां पे। क्या है ना, वहां पे देखो, वहां पे इनफैक्ट इतने ज्यादा हालत खराब हो गई थी कि अभी भी वहां के काफी लोगों को अपंग पैदा होते हैं, क्योंकि वहां की जो गैस थी, गैस रिलीज हुई थी, उससे काफी दुष्प्रभाव पड़े थे। लेकिन वहां के जो लोग थे ना, कुछ लोग वहां पर ऐसे थे जो लोग मिट्टी के घरों में रहते थे। मिट्टी के घर पहले कैसे बनते थे? कंडे, आपने पहले देखो ना, कच्चे घर कैसे होते थे? जो गोबर होता था, गाय के गोबर को मिट्टी के अंदर मिला के उससे पूरी लेयर बनाते थे, उसी से पूरे घर बनते थे। तो वहां पे जब उन्होंने सर्वे किया था, सर्वे करके पता लगाया था कि काफी घर ऐसे थे जो ये मिट्टी के घर थे, कच्चे घर थे, जो गोबर से लीपे हुए थे, पेंट करे हुए थे। उन घरों के अंदर जो लोग भी रह रहे थे, उनके ऊपर इस गैस का इतना प्रभाव नहीं पड़ा। भोपाल के अंदर आप पुराने न्यूज स्टडी करके देखोगे तो उसके अंदर आपको पता चलेगा। तो ये स्पेशलिटी किसकी थी? ये गोबर की थी। जो अगर आपने देखा होगा, जो आजकल अमेजोन पे क्लिक कर चेक करके देख लेना, गोबर अगर सर्च करोगे तो उसके अंदर जो कंडे होते हैं ना, वो अमेजोन पे मिलते हैं, और कितने बहुत महंगे महंगे। यहाँ पर तो गाय बहुत सारी, इसलिए गोबर की कोई वैल्यू नहीं है। अमेजोन यूएस पे अगर देखोगे तो 1,000 रुपए समथिंग तो उनकी प्राइस डॉलर्स में। तो गाय का गोबर, गाय को हमारे यहाँ तो गाय भारत में क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, गाय तो सब समय पूज रही है कि नहीं? गाय को कुछ भी होता है, गाय की पूजा करते हैं, गाय का गोबर शुद्ध मानते हैं, घर को उससे पवित्र मानते हैं। गौमूत्र से कितनी सारी बीमारियां ठीक होती है। रामदेव बाबा ने जो गौमूत्र निकाला है, उससे देख लो कितनी सारी बीमारियों का वो इलाज बताता है कि नहीं? लेकिन हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर क्या है, ये सारी चीजें, जो गौमूत्र पिएगा ना उसको कोरोना नहीं होगा, जो कैंसर होने का, कैंसर, गौमूत्र, क्या बोलते, कोरोना, डायबिटीज, इतनी सारी बीमारियों के उसके अंदर उसने बता रखा है। अपने उसके अंदर मिला के कुछ एक्सट्रैक्ट और उसने जो गौमूत्र निकाला है, काफी सारी बीमारियों के नाम देकर वो बता रहा है कि ये लेने से आपको ये बीमारियां नहीं होगी। लेकिन हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर क्या है, ये सारी चीजें पहले से ही पवित्र मानी गई है, पहले से ही पूज्य मानी गई है। हाँ, क्योंकि हमारे शास्त्रों में जो सारी बातें ना, वो मनगढ़ंत बातें नहीं है। कोई साइंटिस्ट, कितने लोगों ने हैरी पॉटर पढ़ी है या देखी है? देखी है। कोई लोग बोल रहे थे, जैसे अभी जिस समय पे हैरी पॉटर आई है ना, अभी हम लोग क्या उसको मैजिकल वर्ल्ड मानते हैं, कुछ समय बाद में इसी को ही स्क्रिप्चर्स कंसिडर करने लग जाएंगे। क्या ऐसे ही हमारे स्क्रिप्चर्स भी है? कोई मनगढ़ंत कहानियां हैं, किसी ने बस लिख दिया, वो ऐसे मैजिकल चीजें थी, इस वजह से उनको हम मान रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हैरी पॉटर में और जो हमारे स्क्रिप्चर्स में है, उनमें काफी सारा फर्क है। देखो, क्योंकि हमारे स्क्रिप्चर्स की हर एक बात सब समय पर लागू है, मतलब वो एवर ट्रूथ है, वो कभी भी गलत होने वाली नहीं है। कोई मनगढ़ंत किसी ने बना दिया, ऐसी चीजें नहीं है। जो अनुभव की वस्तु है, वो किसी ने उसको रिटन फॉर्म में लिख दिया है, है ना? हमारे शास्त्र में कितनी सारी बातें, जो हम लोग इंडियन कल्चर में जो सारी बातें फॉलो करते हैं, वो क्यों करते हैं? हमारे शास्त्रों के जो अनुकूल है, जो हमारे शास्त्रों में बताया है, वैसा हम लोग पालन करते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब यज्ञ होता है ना, कंडा होता है, कंडे के ऊपर घी डालते हैं, उससे ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। और हमारे एनवायरमेंट में आजकल देखो, ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती जा रही है ना, लोगों को सांस लेने में असुविधा हो रही, कितनी सारी परेशानियां है। लेकिन अगर कोई कंडा जला के उसके ऊपर देसी घी डालता है, तो उससे ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, और वो हमारे वातावरण में पूरी ऑक्सीजन सर्कुलेट होती है। और हमारे ऋषि मुनि पहले क्या करते थे? यज्ञ तो करते थे, यज्ञ कर करके स्वाहा स्वाहा, हाँ, इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, तो ये कर करके उसके अंदर घी डालते थे, उससे ऑक्सीजन निकलती थी। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक लाभ तो होता ही था, उसके साथ साथ में नेचर पे भी बैलेंस रहता था। कई सारे ऐसे उदाहरण है। घर में जो आंगन में तुलसी लगाते हैं, स्कूल में पढ़ा होगा ना, फोटोसिंथेसिस, क्या होता है फोटोसिंथेसिस? सनलाइट से होता है। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, ऐसा ही या उल्टा?
प्लांट ऑक्सीजन देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं, और ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, यही होता है ना। कुछ पौधे लेकिन ऐसे होते हैं जो कि रात के समय पर ऑक्सीजन देते हैं, दिन में तो ये साइकिल चलता ही है कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का, किंतु कुछ प्लांट रात में जस्ट ऑपोजिट होता है, जब सनलाइट नहीं होती है तो उस समय पर प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेने लग जाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसलिए शाम के टाइम समय पे पेड़ के पास में सोने को मना करते हैं ना, क्योंकि वहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, वहां पे सोओगे सांस ही नहीं ले पाओगे। लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो रात के समय पे भी ऑक्सीजन देते हैं, सुना होगा ना। वो ही सारे पौधों की पूजा देखो हमारे भारतीय कल्चर में होती है, इंडियन कल्चर में, भारतीय सभ्यता में उन्हीं सारे पौधों की पूजा होती है। बट वृक्ष, पीपल का पेड़, तुलसी, ये सारे ऐसे पौधे हैं जो कि ऑक्सीजन रिलीज करते हैं सब समय, रात के समय पे भी। तुलसी के पास में, तुलसी के आसपास में ऐसे बैक्टीरिया, जो तुलसी के अंदर ऐसी पावर होती है, वो अपने आसपास में जितने हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं वो सारे खा लेता है, वो सारे खा लेता है। इसलिए तो लोग तुलसी को आंगन में लगाते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं, है कि नहीं। अब घर में तुलसी है ना, कितने बड़े बड़े बड़ी बड़ी तुलसी है माता जी के घर में। तो जो भी हमारे शास्त्रों में बातें बताई गई है, जो भी हमारी भारतीय सभ्यता है, ये भारतीय सभ्यता इतनी श्रेष्ठ है कि इसको पाश्चात्य लोग भी आके पालन कर रहे हैं, लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना चाहते हैं आज के समय पे, हम लोग आज के टाइम पे वेस्टर्न कल्चर फॉलो करना चाहते हैं। सूर्य बताओ किधर से उगता है, पूर्व से उगता है, और अस्त किधर होता है, अगर पश्चिम में वो अस्त, सूर्य जिस प्रकार अस्त होता है, अगर हम भी पाश्चात्य संस्कृति पालन करेंगे तो हमारा परिणाम भी क्या होगा, हम अस्त हो जाएंगे, अंधकार की तरफ चले जाएंगे। किंतु हम कौन है, हम भारतवासी हैं, हम पूर्व देशी हैं, अर्थात हमने सबको आलोक दिया है, किससे, हमारे शास्त्रों के ज्ञान से, हमारी सभ्यता से, हमारी संस्कृति से। तो इसको पालन करने में, हमारे जो घर में जो रीति रिवाज वगैरह सब पालन करने करते हैं या करे जाते थे, आज के टाइम पे तो थोड़ा कम होता जा रहा है, लेकिन वो कोई मनगढ़ंत बात नहीं, इनको पालन करने में हमको लज्जा नहीं आनी चाहिए। आप देखो वृंदावन कभी जाकर देखना, इस्कॉन टेम्पल के अंदर कितने ही सारे विदेशी लोग आके और हमारे भारतीय सभ्यता को सीख रहे हैं, उसको पालन कर रहे हैं, तो कुछ तो इसके अंदर बात होगी ना। जिस चीज को, जैसे कुत्ता हड्डी खा के फेंक देता है ना, उसको अगर कोई मतलब फेंका हुआ चीज, किसी का झूठा खाना, कितनी गंदी बात है। तो जो पाश्चात्य लोग हैं, जो वेस्टर्न लोग हैं, वो जिस रस को, जिसको चबा चबा के और थूक चुके हैं, उसके अंदर उनको पता लगे कि कोई रस नहीं है, वो अब भारतीय लोग जो आजकल की जनरेशन है वो पालन कर, वो उसके अंदर रस लेना चाहती है, हा? लेकिन उसके अंदर कोई रस नहीं है, ये उनके अनुभव, उन्होंने अनुभव किया, अनुभव करके उन्होंने हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं। तो क्यों ना हम लोग, हमारे वो तो हमारा अपना है ना, तो हम उसको क्यों ना अपनाए, है ना। लोग गुरुदेव भी बता रहे थे, देखो भगवान का नाम लेना चाहिए, माला करनी चाहिए। ये माला करने के अंदर भी देखो कितनी बड़ी, हमारे ऋषि मुनि लोग पहले माला करने के लिए क्यों कहते थे। आपने इलेक्ट्रिक डायनेमो देखा है, पावर प्लांट जो होता है, हाइडल पावर प्लांट, किस किसने सुना है बच्चों, बाहर टर्बाइन के अंदर पानी गिरता है बड़ा जोर से, घूमता है, वो घूमता है तो क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, पढ़ा होगा ना। ये माला के अंदर भी देखो हम लोग क्या करते हैं, कार्बन ब्रशेस के थ्रू हम लोग वो हाइडल पावर को, वो घूमता है टर्बाइन्स के अंदर, हम कार्बन ब्रशेस के थ्रू उसको कलेक्ट करते हैं, उसके बाद में बिजली बनती है। तो ये सर्कुलर मोशन जो होता है, गोल गोल घूमना, इसके अंदर क्या हो रहा है, कुछ एनर्जी जनरेट हो रही है कि नहीं। ये माला के अंदर भी क्या होता है, माला के अंदर जैसे हम लोग भगवान का नाम लेते 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 जब ये घूमता है, तो उससे भी हमको क्या, एक ऊर्जा की प्राप्ति होती है, एक पॉजिटिव ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसीलिए हमारे ऋषि मुनि लोग क्या करते थे, हम लोग को माला करने के लिए कहते थे। आज के टाइम पे देखो यूएस के अंदर आप देखोगे 50% ऑफ द पॉपुलेशन को डिप्रेशन है, और डिप्रेशन के क्योर के लिए वो लोग क्या बताते हैं, मेडिटेट करो, ध्यान करो। ये माला करना एक मेडिटेशन प्रोसेस ही है। क्या करना है आपको, माला करते 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 भगवान के नाम जो है उसको स्मरण, उनको सुनना है, उसी पर ध्यान देना है। तो एक मेडिटेशन प्रोसेस है ये। मेडिटेशन प्रोसेस करते 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 क्या होगा, आपका मन स्थिर होगा। कलयुग के अंदर सभी का मन जो है बड़ा चंचल है, किसी एक चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना बड़ा मुश्किल है कि नहीं। आप पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई के अंदर भी कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होती है, कोई गेम खेलते हो उसके अंदर भी कॉन्सेंट्रेशन की जरूरत होती है, हर एक जो भी चीज कर रहे हो अगर उसके अंदर मन नहीं लग रहा है, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो, तो उससे काम बनेगा नहीं, है कि नहीं। तो कॉन्सेंट्रेशन लेवल अपना इम्प्रूव करने के लिए भी ये भगवान का नाम, ये माला जो है ये आपको हेल्प करेगी। हमारी हर एक चीज जो हम लोग करते आए हैं उससे हमको हर मतलब हर फील्ड में बेनिफिट है, है कि नहीं। तो इसलिए सब बातों की एक बार भगवान का नाम थोड़ा बहुत जो है अध्यात्म को अपने जीवन में लाओ, है ना। क्योंकि ठीक है आज का युग ऐसा आ गया है कि हमको पढ़ाई, जो अभी हम लोग को पढ़ा रहे हैं ना, वो पढ़ना भी पड़ेगा,
ठीक है, जो अभी का जैसा कल्चर है उसको थोड़ा बहुत पालन करना भी पड़ेगा। लेकिन जब तक हम आध्यात्म को अपने जीवन में नहीं लाते, जब तक थोड़ी बहुत भगवान की पूजा भक्ति जो हमारा है, जो हमारी नित्य वस्तु है, जब तक उसको हम अपने जीवन में नहीं लाते तब तक खुशी नहीं हो पाएंगे, है ना। अगर खुश रहना चाहते हो तो भगवान का नाम अपने जीवन में लाओ, सुबह सुबह उठ के थोड़ा बहुत क्या दो, भगवान को टाइम दो, हर एक चीज के लिए टाइम, एक शेड्यूल बना के रखो कि इतना समय मुझे स्कूल जाना है, इतना समय मुझे पढ़ना है, इतना समय खेलना है। हाँ, फिजिकली बॉडी के लिए भी ध्यान रखना पड़ेगा, फिटनेस। हाँ, तो खेलना भी जरूरी है, पढ़ना भी जरूरी है, हर एक चीज को टाइम दो। तो सुबह सुबह का थोड़ा बहुत टाइम क्या दो, अपना आध्यात्म के प्रति दो, भगवान के प्रति दो, भगवान का उठ के नाम करो 10% देखो एक स्टोरी के माध्यम समझने की कोशिश करो। एक बार क्या होता है, एक सेठ आदमी होता है, वो एक बड़ा बिजनेसमैन वो जा रहा होता है, रास्ते पे वो एक भिखारी को देखता है, तो वो उससे भीख मांगता है, बोले मुझे कुछ दे दो। वो बोलता है तुम देखने में तो हट्टे खट्टे लगते हो, बढ़िया काम करके कमा भी सकते हो, कमाते क्यों नहीं हो। तो ये भिखारी उनको कहता है कि मैंने कमाने की कोशिश करी थी, बड़ा काम भी स्टार्ट किया था, लेकिन सक्सेसफुल नहीं होता, जो भी काम करता हूँ उसमें फेल हो जाता हूँ, और भीख मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं बच गया। तो इसने ये आदमी बिजनेस मैन जो होता है ये थोड़ा दयालु होता है, इसने क्या बोलता है उसको कि मैं तुम्हें अपना 50% पार्टनरशिप दूंगा। ये बात सुन के वो भिखारी तो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता है, उठे सुबह सुबह मेरी फिरकी ले रहा है, मजे लेने के लिए और कोई नहीं मिला, बोले बाबा मेरी मजे ले रहे हो। तो बोले नहीं, मैं तुमको 50% नहीं, मैं तुमको 90% ओनरशिप दे दूंगा, मैं पूरा बिजनेस तुमको दे रहा हूँ, पर तुमको क्या करना पड़ेगा, मंथ के एंड में अपना बिजनेस का जो भी प्रॉफिट है 10% मेरे को देना। समझ रहे हो पीछे बच्चा, सुन रहे हो ना। तो वो क्या बोलता है कि आप 10%, ये जो स्टोरी बता रहे ना, इसका मतलब है हमें क्यों भगवान को समय देनी चाहिए। कोई कहता है ना, क्या जरूरत है भक्ति करने का, हैं, हमारा तो बहुत सारी काम है, भक्ति भक्ति क्यों करे, भगवान का नाम क्यों करे, भजन क्यों करे, हम ठीक ठाक, कोई जरूरत नहीं भक्ति भक्ति करने का। इसलिए हमें भक्ति क्यों करनी चाहिए, ये स्टोरी के माध्यम से ये चीज हमें समझाने के लिए कोशिश करते हैं, हमको क्या जरूरत है भक्ति करने का, क्या जरूरत है ये स्टोरी में, ये बात, इसलिए स्टोरी को याद कर लेना। तो उस बिजनेसमैन ने कहा कि मैं तुमको अपना ओनरशिप दे दूंगा, 10% मंथ के एंड में प्रॉफिट मुझे देना है। ठीक है, ये डील हो गई, कोई बड़ा राजी हो गया, बड़ा दिन दोगुनी रात चौगुनी करके और काम करने लगा, उसने बिजनेस काफी अच्छे से बढ़ा भी दिया। अभी पहला महीना खत्म हुआ, डील क्या हुई थी, 10% की। तो 10% वो भिखारी जो है इस ओनर को देगा, ये बात हुई थी। पहला महीना निकल गया, वो कोई पैसा देने ही नहीं आया। ये सोच रहा है बिजनेसमैन कि क्या हो गया, पैसा देने नहीं आया, हो सकता है चलो काम में बिजी होगा, नेक्स्ट मंथ 20% आ जाएगा। हाँ, दूसरा महीना निकल गया, दूसरे महीने में भी कुछ देने नहीं आया, तीसरा महीना निकल गया, तीसरे महीने में भी कुछ देने ही नहीं आया, ऐसे करते करते 6 महीने निकल गए। वो सोच रहा है कहीं ऐसा तो ना ही नहीं है कि मर गया हो, हाँ टाइम का तो, डेथ का तो कुछ भरोसा नहीं है ना, कहीं भी व्यक्ति को क्या हो जाए। तो सोच रहा है चलो जाकर एक बार देख तो लूं क्या हो गया, क्यों पैसे देने नहीं आ रहा। वो गया वहां पर, जैसे उस सामने उस बंदे को फेस किया, बोलता है आपको याद है मैं कौन हूँ, बोले हाँ आपको कहीं देखा तो था, आपको कहीं देखा तो था, पहचानने में नहीं आ रहा। बोले मैं वही हूँ जिसने आपको बिजनेस में शेयर दिया था, मैंने पूरा बिजनेस, अपना बिजनेस आपको दिया था, भूल गए। बोले हाँ अच्छा याद आ गया, और 10% देने की डील हुई थी, क्या हुआ उस बात का। बोले 10% किस बात का, 10% पूरे समय मेहनत मैं कर रहा हूँ और 10% तुम्हें लाकर दे दूँ। हाँ, पूरे दिन रात मैं बिजनेस मेहनत कर करके बिजनेस को आगे बढ़ा रहा हूँ, पूरा हैंडल कर रहा हूँ, और तुमको किस बात का 10% दूँ, तुमने क्या किया। ऐसे व्यक्ति को आप बताओ क्या बोलोगे, बच्चों तुम बोलो क्या बोलोगे। पकड़ के मारेंगे। अरे अब क्या बोलोगे ऐसे व्यक्ति, देखो ऐसे व्यक्ति एटीट्यूड आ गया। देखो उसने आपको पार्टनरशिप दी है और उस जो डील हुई थी वो भी फॉलो नहीं कर रहे, तो उसको क्या बोलेंगे, गद्दार है ना वो व्यक्ति, जिसने हमको सब चीज दिया है, जिसने हमको उसके प्रति हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये सारे जो गद्दार लोग हैं, ये सारे जो नमक हराम लोग हैं ना, ये हम ही लोग हैं। समझो कैसे, हम लोग को भगवान ने ही सब चीज दी है, ये मनुष्य शरीर किसने दिया, भगवान ने दिया। आप देखो अगर कोई हॉस्पिटलाइज हो जाता है तो उसको ऑक्सीजन मास्क यदि लगाया जाए, ऑक्सीजन उसका बिल पे करना पड़ता है, भगवान ने हमारे नाक के पास में एकदम ऑक्सीजन रख रखी है कि नहीं। सांस तो सभी लोग लेते हैं, मान लो और कुछ ना करे तो सांस तो लेते ही है, नाक के पास में एकदम ऑक्सीजन रख रखी है, इसका कुछ बिल पे करते हो, कुछ पैसा देते हो इसका।
जो वाटर सप्लाई जो टंकी से घर में पानी आता है सप्लाई के थ्रू, उसका बिल पे करना पड़ता है कि नहीं? लेकिन पानी जिसने बनाया है उसके लिए क्या बिल पे कर रहे हो? कुछ बिल पे कर रहे हो? जो हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी घर में पहुंचाते हैं, महीने के महीने बिजली का बिल देना पड़ता है कि नहीं? हाँ, ये दिन में सूर्य निकल रहा है, इससे इतनी रोशनी हो रही है, उसका कुछ बिल पे करते हो? कितने लोग सूरज को बिल पे करने जाते बताओ? इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना पड़ता है, सूर्य को कौन बिल पे करता है? रात में चंद्रमा की रोशनी मिलती, कोई बिल पे करता है? इतनी सारी वस्तुएं हमको जमीन से मिल रही, खाने के प्रत्येक वस्तु, फल फूल इत्यादि सब चीज हमको मिल रहा है जमीन से, उसका कुछ बिल पे करते हो? कितनी सारी वस्तुएं भगवान ने हमको सहज ही दे रखी है, पूरा दे रखा है, लेकिन भगवान हमसे क्या चाहते हैं? 10%। 10% चाहते हैं ना? वो 10% क्या है? देखो, हमारे पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन उसका 10% समय चाहते हैं भगवान। भगवान हमारा, अगर हम कमा रहे हैं तो हम, हमारे 10% पैसा नहीं चाहिए उनको, उनको 10% समय चाहिए। 10%, 24 घंटे, 10% कितना हो गया? कुछ 2.5 घंटे। हाँ, तो वो समय उनको चाहिए। वो समय भी अगर हम नहीं दे पाते तो हम लोग कौन है? नमक हरामी है। इसलिए सूरदास का एक पद है, जिनो तन दीनी ताही बिसराई, कैसे नमक हरामी मौसम कौन कुटिल खलकामी। कि मेरे समान कुटिल कौन है, मेरे समान नमक हरामी कौन है, जिसने मुझे सब कुछ दिया, मैंने उसके लिए ही कुछ नहीं कर रहा, मैं उसके लिए ही कुछ भी नहीं कर रहा। तो इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हमको थोड़ा सा थैंकफुल, थोड़ा सा शर्म आनी चाहिए हम लोगों की, हम भगवान के लिए क्या कर रहे हैं, भगवान के लिए हम कुछ भी नहीं कर रहे। अगर 10%, अगर 2.5 घंटे ना दे सको तो कम से कम 1 घंटा तो दो, है ना? 1 घंटा तो शुरुआत करो 1 घंटे से, बाद में तो भगवान को जितना लेना होगा लेंगे, या जितनी आपकी श्रद्धा होगी उतनी वो साथ से बढ़ा सकते हो, लेकिन 1 घंटा तो ड्यूटी मान के ये हमको देना ही है, हमको नमक हराम नहीं होना, हमको देना ही है, ऐसा मानते हुए 1 घंटा एटलीस्ट अपना समय भगवान को देना चाहिए। सुबह उठ के क्या करना चाहिए? भगवान का नाम करना चाहिए। पहले इसलिए अब देखना, पहले पहले जो लोग होते थे ना, अब देख लेना जितने माताएं जितने बाबा पहले क्या करते थे, एकदम सवेरे सवेरे उठते थे, ठाकुर को आरती उतारते थे, करते थे कि नहीं? ठाकुर को सेवा करते थे, रामायण थोड़ा पढ़ते थे। अब देखो, आपका पिताजी को देख लो, अपने घर में देखो, पुराने लोग सब यही काम करते थे पहले। लेकिन अभी स्मार्टफोन आ गया, फिर टीवी आ गई, ये कली है, ये सब कली, ये कलयुग जीव को भक्ति से दूर करने के लिए सब चीज को निकाल दिया और उनका डाइवर्ट कर दिया उल्टा चीज में, है उल्टा, सब उल्टा चीज में हम समय को बिताते हैं। देखो अब जी समझो, हम संसार में अक्सर करके जो काम करते हैं, अब देख लेना, अपना लिए तो बहुत कम करते हैं, दूसरे के लिए ज्यादा करते हैं, है कि नहीं? जैसे घर के पिता है, अपना लिए कितना करता है? बहुत कम। बच्चे को कैसे खुश रखे, अपना पत्नी को कैसे खुश रखे, पिता माता को कैसे खुश रखे, इसके लिए कोशिश करते हैं कि नहीं? घर की माता देखना अपना लिए बहुत कम करती है, किसी तरह से सबको खिला पिला करके एक दो रोटी खा लेती है, यही करती है ना कि नहीं? अक्सर करके संसार में हम जो काम करते हैं अपना लिए बहुत कम, दूसरे के लिए ज्यादा। आपसे एक प्रश्न करता हूं, आपको ऊपर में संसार में कोई खुश है? आप बता दो। जिनके लिए हम संसार में कर रहे हैं, कोई क्या अभी तक तुम्हारे ऊपर खुश हुए है क्या? आप बता दो, हृदय से बोलो। देखना आपको पीछे सब आपको चुगली करते हो, करते कि नहीं? सही है कि नहीं? चुगली करते है कि नहीं तुम्हारे लिए? भैया जो चुगली तुम्हारे लिए करते हैं उनके लिए दिन भर समय दे रहे हो, लेकिन अब द्रौपदी का नाम सुनी हो, सुनी कि नहीं? उसका भगवान का कृष्ण परीक्षा कर रहे थे, कभी ठाकुर का थोड़ा अंगुल कट गई, द्रौपदी वहां पर अपना साड़ी को फाड़ करके भगवान अंगुल में बैंडेज कर दी, भगवान इतने रीझ गए, बोले द्रौपदी मैं तो परीक्षा कर रहा था, हैं? तुमने अपना साड़ी, इतने कीमती साड़ी नहीं देखी, मेरे हाथ में बैंडेज कर दी, जरूर तेरी मैं ऋणी उतारूंगा, जरूर तेरे मेरी नहीं उतारूंगा, कोशिश कर रहे। देखो थोड़ी सी बैंडेज कर दी, ठाकुर कितने अपना को ऋणी मानते, जरूर तेरे ऋणी उतारूंगा। हम महाभारत देखे होंगे, जिस समय द्रौपदी की वस्त्र हरण हो रही थी, आप लोगों का तो एक एक पति होगा, द्रौपदी के कितने पति थे? वो साधारण कोई थे? सर्वश्रेष्ठ गांडीव था अर्जुन, सर्वश्रेष्ठ गदाधारी भीम, सर्वश्रेष्ठ भाला युद्ध में युधिष्ठिर महाराज, और तलवार युद्ध में नकुल और सहदेव, बराबर दुनिया में कोई नहीं थे। लेकिन कोई काम में आया? द्रौपदी की जो भरी सभा में वस्त्र हरण हो रही थी, वो आग फाड़ फाड़ कर देख रही थी, कोई तो कुछ बोलेंगे, कोई कुछ बोल रहा था, कोई रक्षा कर रहा था? फिर उन्हें जो कोई कुछ बोला नहीं, फिर अपना पितामह भीष्म द्रोणाचार्य कृपाचार्य उनको तरफ में देख रही थी, कोई किसी ने बचाया?
आप बताओ लास्ट में किसने बचाने के लिए आया? बोलो भैया, हम जितने डी हांकना हांक लो, अंतिम समय में कोई भी तुम्हारी काम आने वाले नहीं। जब अंतिम समय होगा, चार व्यक्ति कंधे पर ले जाएंगे, क्या बोलते बोलते ले जाएंगे? कोई बोलेगा तेरा बेटा सच्चा था, तेरे बीबी सच्ची थी, तेरे पति सच्चा था, बोले सब कोई बात झूठा है, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल गद्य है, सब कोई बात झूठा है। बोले बेटा, जितने तुमने प्रभु का नाम लिया ना, वही जा रही तेरे साथ में, और जितना अगड़ो बगड़ो जितने तुमने इकट्ठे किए सारी दुनिया की, सुई धागा भी अभी तेरे साथ में नहीं जा रही है। जिस पत्नी को सात फेरा लगाकर शादी किया, वो दरवाजा तक चली गई, उसको आगे नहीं बढ़ेगी। जिस परिवार को इकट्ठे किए हो, वह शमशान तक चलेंगे, वहीं पर मुखाग्नि देख रहे टाट आकर के वापस आ जाएंगे, कोई तेरे साथ में जाने वाले नहीं। जाएगा कौन? बोले पायो जी मैंने राम रतन, आप लोग भजन सुने होंगे, सुने ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, बस तू अमोल को दी मरे सदगुरु, कृपा करे अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन। मेरा कहते जीवन में मिला किया, बोले जितना राम के नाम कृष्ण का नाम लिया, केवल साथ में वही मिला, और जगत में सब ही खोवायो, जगत में सब खोवाए। इसलिए हमारे जो अंतिम समय में जो काम आएगा, भगवान की भक्ति, भगवान का नाम, केवल यही काम आएगा। इसलिए क्या करना, ठाकुर को 10% दो। कितना देना? कितना देना? दोगे? सही बोल रहे, ठाकुर को 10% दोगे नहीं? हाँ, इसलिए सवेरे उठ करके देखो, हमारे बड़े गुरुजी कहते थे सवेरे उठ करके, हाँ ध्यान देकर सुनो, गुरुजी कहते थे सवेरे उठ करके अपना सौ काम को छोड़ करके अपना भोजन करो। क्या करो? शरीर रहेगा तब तो सब कुछ करेगा ना, सौ काम छोड़ कर, हजार काम छोड़कर अपना काम धंधा को करो। काम धंधा नहीं करोगे तो पैसा कहां से आएगा? लेकिन गुरुजी कहते करोड़ों काम छोड़कर भजन करो, करोड़ों काम छोड़ करके, क्योंकि तुम्हारे साथ में अंतिम समय जाएगा नहीं चीज, जो जाएगा नहीं तो उसके लिए हम बहुत कर रहे हैं, और जो जाएगा उसके लिए कुछ क्यों नहीं करे। इसलिए सवेरे उठ करके थोड़ी सी भगवान का जो माला, देखो मेरे तरफ में देखो, इस तरफ में देखो, है हमारे चैतन्य महाप्रभु का नाम सुने होंगे, एक समय उनको कुछ भक्तों ने निमंत्रण दिया, बोले प्रभु हमारे घर में आपको भोजन है, चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण दोनों मिलकर के आए एक रूप, कुछ शिक्षा देने के लिए बोल रहे थे, बोले प्रभु आज हमारे घर में भोजन है। भगवान ने कहा देखो, मैं सबको घर में भोजन नहीं करता हूँ। बोले किसको घर में भोजन करते हो? इधर ध्यान देकर सुनो, कहते जो लखपति बनेगा, आज से 550 साल पहले, लखपति मतलब है उस समय में जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर होगा, उसको घर में हम भोजन करेंगे। भक्त लोग तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया तक नहीं, 100 रुपया मतलब 100 स्वर्ण मोहर, कहते प्रभु क्या हमारे घर में आप भोजन ही नहीं करोगे? देखो भगवान सबको बैठाया, बैठा करके समझाया, बोले जानते हो असली लखपति कौन? बोले कौन है? बोले रोजाना जो 1,00,000 ठाकुर जी के नाम जप करते हैं वो असली लखपति, 1,00,000 जो ठाकुर जी की नाम जप करते हैं। आ मेरे तरफ में देखो, लखपति कैसे बनोगे? देखो ये कथा की यही सार है, लखपति हाँ कैसे आप बनोगे? कुछ दिन पहले टीवी में आता था ना, अमिताभ बच्चन वो निकालता था कौन बनेगा करोड़पति, देखे हो ना टीवी में? हाँ, यहाँ पर भगवान कहते कौन बनेगा लखपति, आप देख लो लखपति कैसे बनोगे। देखो ये माला है, हैं? ये माला में जैसे हम भगवान का नाम जप करते हैं, आप सब मेरे साथ में बोलो, बोलो हरे कृष्ण कौन, मेरे साथ में बोलो हरे कृष्ण, बोलो पीछे पीछे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बोल करके एक मोती इसमें सरकाते, फिर दो बार हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसमें दो मोती, फिर तीन मोती, इसमें 108 मोती। देखो 1,00,000 ऐसे होता है, जैसे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कितना बार हो गया? 16 बार हो गया है? जब एक बार ही हरे कृष्ण बोले 16 बार हो गया। इसमें एक मोती सरकाते ही 16 बार ठाकुर का नाम होता है, इसमें 108 मोती है, जैसे यह खत्म हो जाए इसको पार नहीं करते, इसको पार नहीं करके ऐसे घुमा देते हैं, घुमा करके फिर दूसरे तरफ से करते हैं। अगर ऐसे ही ये माला को 16 राउंड अगर कर लिया, हिसाब से होता है 25,000, अगर हमने 64 माला कर लिया उसका हिसाब होता है 1,00,000। भगवान खुद कहते हैं
तुमने 1 लाख माला नहीं किया, आज तुम्हारे नाम पर बैंक में 1 लाख रुपया फिक्स डिपॉजिट हो गया। ये भगवान खुद कहते हैं। इसलिए मीरा की एक भजन है, अब सुने होंगे, बोले ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। ले अब सब ताली बजाते कीर्तन कर, ले लो रे कोई राम का, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखरा हूँ गली गली। जिन जिन ने यह मोती लूटे वे सब माला गाते होंगे। अब लोग तो सब समझ में आ गया है, इसलिए मीरा कहती है, ले लो रे कोई राम का प्यारा, आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती में बिखरा हूँ गली गली। इसलिए ऐसे कौन व्यक्ति जो प्रभु का नाम को ग्रहण कर सकता है, हैं? लेकिन जो भगवान का नाम को लेता है, मीरा कहती है, बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति है। हाँ, भगवान की जो नाम करता है बड़े सौभाग्यवान व्यक्ति ठाकुर का नाम कर सकता है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहते, बोले अर्जुन मेरे नाम को कौन कर सकता है, बोले सभी नहीं कर सकते। कहते बड़े जो पुण्यात्मा है, कहते जनई पूर्व सत जन्मम वासुदेव समर्चनम, जिसने पूर्व पूर्व जन्म में 100 साल तक 100 जन्म जिसने ठाकुर की अर्चना पूजा की, इसी जीवन में वो मेरे नाम को ले सकता है। ये ठाकुर जी खुद कह रहे हैं। अब देखना, कभी कभी बैठ करके जब बोटी बेटी बहू की बात होती ना, बस घंटा घंटा तक बीत जाती है। उसको छोरी ने ये किया, उसके घर में बहू को साथ में साथ से बनती नहीं, उस छोरी को छोरा ने उठा करके ले गया उसको। देखना घंटे घंटे, और कोई उल्टा बुल्टा सीरियल आ जाए ना, 3-3 घंटा आंख फाड़ फाड़ कर देख लेते। लेकिन इसको बोलो भैया थोड़ा भगवान का 10 मिनट नाम करो, तो समय कहां है, समय कहां हमारे पास। लेकिन सारे गंदी काम में समय ऐसे निकाल देते जिसके सोच भी नहीं सकते। लेकिन जो मानव शरीर है, भगवान राम कहते हैं अयोध्या वासियों को, हे अयोध्या वासियों, बोले साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, पाई न जई पर लोक सवारा। कहते ये मानव शरीर नहीं, ये 84 लाख जन्म के बाद में तुमकी मुक्ति की दरवाजा पर आए हो। अगर ये जन्म तुम्हारी चली गई, फिर 84 लाख जीवन में फिर जाना पड़ेगा तुमको। ये मानव ये कौन कह रहे हैं, राम भगवान खुद कह रहे हैं, अयोध्या वासियों को समझा रहे हैं। इसलिए हे अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर नहीं, ये तो देव दुर्लभ है, सुर दुर्लभ सत ग्रंथन गवा। देवता लोग भी प्रार्थना करते भारत में हमें ये सनातन धर्म हिंदू धर्म में हमारे जन्म हो, उनको भी नहीं होता है। इतने सौभाग्यवान हम लोग हैं, इतने सौभाग्यवान है। इसलिए मीरा कहती है, जिन जिन ने ये मोती लूटे सब माला माल हो गए। बोले कौन भैया हुए, बोले तुलसी मीरा और नरसिका। देखो तुलसीदास का नाम सुने कि नहीं, हनुमान का नाम सुने हो, कौन कौन जान का हाथ उठा दो। आप बताओ हनुमान कब आए थे, त्रेतया जी को कितना साल पहले हो गया, करोड़ साल हो गया। लेकिन अभी का जो बच्चे है ना, यंग जनरेशन, कहते हम बॉलीवुड में सब हीरो हीरोइन बनेंगे, इनका बड़ी तमन्ना हीरो हीरोइन सब के सब बनेंगे। अरे बताओ 10-20 साल पहले जो हीरो हीरोइन थे, अभी कोई दुनिया में उसका कोई नाम ले रहा है, गया तो गया, जब थोड़ा हीट हो जाता ना, थोड़े लोग उनका नाम लेते, उसके बाद गए। लेकिन हीरो बनता तो हनुमान जैसे बनो ना, मीरा जैसे हीरोइन बनो, जब तक दुनिया रहेगा तब तक तुम्हारी पूजा होगी जगत में। इसलिए अगर हीरो बना तो हनुमान जैसे हीरो बन जाओ, तुलसीदास। इसलिए कहते हैं
जिन जिन ने ये मोती लूटे सब माला माल हो गए, लेकिन ये दुनिया की जो पैसा की केवल इसको पीछे कमाने में, अगर किसी व्यक्ति को हम बोले ना थोड़ा प्रभु का नाम करो, बोले थोड़ा पैसा कमा लेना, बोले किसके लिए, बोले बच्चों के लिए। हमारे गुरु जी कहते थे नहीं, बच्चे के लिए पैसा कमा कर मत रखा करो, बच्चा हो ना रहोगा तो कमाएगा, अगर नालायक बनेगा ना, जितने तुम पैसा कमा रहे हो जुआ शराब पी करके एक दिन खत्म कर देगा वो है। इसलिए ऐसे धन को कमाओ जो इसी जीवन में भी धनी बनोगे और अगले जीवन में भी उसका मालिक तू ही बनोगे। कौन सा धन है? मीरा कहती है भगवान की नाम धन है, इसी जीवन में भी धनी अगले जीवन में भी ब्याज समेत। इसलिए मीरा कहती है दिन दिन बढ़त सबायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। इसलिए मीरा कहती है भैया ये धन में धनी बन जाओ, ठीक है ना। अब लोग समझ ले कि एक लाख कैसे हो जाते हैं 64 माला में। इसलिए भगवान कहते हैं ये जो धन को लुटोगे सबसे बड़ा धनी यही बनोगे। इसलिए क्या करो, सवेरे उठ करके ठाकुर को 10% दो। अगर 10% नहीं दे सकते, पैसा नहीं मांग रहे, क्या मांग रहे, समय। अगर 10% अगर नहीं दे सकते, 10% होता है 2 घंटा 40 मिनट होता है 10%। अगर इतना नहीं दे, अरे 10-20 मिनट तो दो, 2% तो दो, 1% तो ठाकुर कम से कम दो है, कभी कभी तुम ठाकुर को दो, क्यों, यही तो जाएगा तुम्हारे साथ में, और तो कुछ जाएगा नहीं, इसलिए उसके लिए क्यों समय नहीं दे, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, हाँ इसलिए हमको याद नहीं रहा, नहीं तुम लोग के लिए माला ले आते, तुम लोग को यहीं पर एक एक माला देकर जाते, सवेरे नहा धो करके एक एक माला को जप कर लेते, ठीक है ना बच्चों। एक काम करना हमारे मंदिर में आ जाना है, और इनको व्हाट्सएप में जोड़ दो हमारे मंदिर में, ये जैसे ये है ना, और एक भी हमारे एक ये है वो भी नौकरी कर रहा है जिसका 1 लाख तनखा है, मंदिर में कंप्यूटर से काम कर रहे हैं, वो बच्चों को सेमिनार देता है, बच्चों को कॉलेज का बच्चे, तुम्हारे जैसे बच्चे यंग बच्चे आते हैं, वो बच्चों को सेमिनार देते हैं, प्रोजेक्ट के माध्यम में सेमिनार देता है। इसलिए आप लोग सब आना, ठीक है बच्चों, आप लोग आना, आकर के भक्ति करो, पढ़ाई करो साथ साथ में, और भगवान की भक्ति करके हुए पढ़ाई करेगा तो मन ज्यादा अच्छा लगेगा, मन गंदी चीज में जाएगी नहीं, पढ़ाई लिखाई में अच्छे बनोगे, ठीक है ना बच्चों। मंदिर में धीरे धीरे आया करो, ठीक है, लेकिन तुम आते हो बीच बीच में कभी कभी, पहली बार आती ना, हाँ इसलिए धीरे धीरे मंदिर में आया करो, ठीक है ना बच्चों, आओगे कि नहीं। इसलिए आपको व्हाट्सएप में हम जोड़ देंगे, और वो जो क्लास देंगे आपको बुला करके क्लास देंगे, और जितने माताएं हैं, अरे हरे कृष्णा, सब माताएं, आप लोग भी कोशिश करना, हमारे पास में मंदिर है, जन्माष्टमी बहुत अच्छा होता है, हाँ राधाष्टमी जन्माष्टमी भागवत कथा होती है, बड़ी बड़ी उत्सव होती है वहां पर है। इसलिए आप लोग धीरे धीरे मंदिर में आओ, और क्या करो, अपना बच्चों को भी सबके सब साथ में बच्चों को लेकर के आओ, बच्चों के ऊपर अच्छे संस्कार पड़े, बच्चे भक्ति करे, और साथ साथ में तुम्हारी पढ़ाई भी करे और सारे संसार का काम करे, ठीक है। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद की। हाँ देखो आज इन माता नहीं तुम्हारे बच्चे कौन है, तुम्हारे बच्चे एक ही बेटा है जो था, वो बेटा ये पोता है, ये पोता है, ये नाती है, वो दामाद है। दामाद कौन है? ये वाला। और ये दामाद है? हाँ ठीक है। कहाँ रहते हो? एक पोता ये है, हाँ दिल्ली रहते हो। और तुम्हारी बहू कौन है घर की? ये बहू, ये बेटी। ये बहू कौन? वो बेटी, उधर बेटी कौन है? वो बेटी है। अरे ये बहू है, भक्ति करना, ठीक है बच्चों की, पहले तो खुद भक्ति तुम्हें करना पड़ेगा, ठीक है ना, पहले भक्ति तुम करो, तुमसे बच्चों को संस्कार पड़ेगी, ठीक है, पहले खुद भक्ति करो, दोनों हरिनाम करो, माला करना, हमारा मंदिर में तो आ जाना कि माला दे दूंगा, ठीक है, और कोशिश करना माला करने के लिए। और तुम, तुम्हारे बेटे के बेटे कौन है? ये एक बेटा, ये दो बेटे, वो तो यही रहते, कोई दिक्कत नहीं, ये पास में आ जाएंगे। अब भी प्रभु जी, क्या बेटे का नाम क्या है? बड़ा बेटा संजय है, हाँ ठीक है। भगवान देखो आज घर में संत लोग आए ना, घर में हरी चर्चा हरी कथा हुई, आपका घर का घर नहीं, आपका गोलोक वृंदावन बन गया। शास्त्र कहता है जिस घर में भक्त लोग आए, घर में कीर्तन सत्संग हो, वो घर घर नहीं रह जाता है, वो घर भगवान की धाम बन जाती है। जैसे कीर्तन हुई सत्संग हुई, इसकी इतने प्रभाव है, घर का सारे अमंगल घर से चली जाती है। जहाँ सत्संग हो जाए, भागवत कहता है सर्वाणी तीर्थानी बसंति तत्रा, पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर आ जाता है, हाँ जहाँ पर सत्संग कीर्तन हो। इसलिए आपका घर में सारे क्या हो गया, सारे तीर्थ आ गए, तुम्हारी घर नहीं रह गया, आज घर तुम्हारी
तीर्थ बन गया, भगवान की धाम बन गया तुम्हारी घर, ठीक है। लेकिन इधर आओ, यहाँ बैठो, बैठ जाओ, हाँ घर में, हाँ इधर आ जाओ। इसलिए घर में तुम्हारे घर भगवान का धाम हो गया ना, अभी घर में जो कुछ भोजन करो, जो कुछ घर में प्रसाद खाना बनता है, पहले सबसे पहले घर में ठाकुर जी है ना, सबसे पहले घर में ठाकुर जी को भोग लगाना, ठीक है। तुलसी बता दे करके भगवान को भोग लगाया करना, सब माताएं सुन लो, घर में जो कुछ खाना बनता है सबसे पहले ठाकुर जी को तुलसी दल से भोग लगाया करो। देखो ये गीता का श्लोक है, भगवान कृष्ण कहते हैं, बोले भुंजन्ते तो अघम पापा जे पचन्ति आत्मकरणात्। बोले हे अर्जुन, जो लोग मेरे को भोग लगा कर खाते हैं, मीरा का नाम सुने होंगे, सुने हो मीरा का नाम, वो तो साधारण घर की लड़की नहीं थी, वो राज रानी थी, भक्ति करती थी, इसलिए उसको मारने के लिए कोशिश की गई। बोले क्या संतों के बीच में बैठी करेगा हरे राम हरे कृष्ण करती रहती, कहा राज रानी की कहां बेटी है, हैं? लेकिन उसको मारने के लिए कोशिश की, उसने राणा ने उसको जहर भेज दिया, उसको जहर भेज दिया। लेकिन मीरा तो ठाकुर को भोग लगाए बगैर कुछ खाती नहीं, और ठाकुर जी को जहर भी भोग लगा दिया तो क्या हो गया, प्याला बन गया, अमृत बन गई, हैं? जब भगवान को कृष्ण गीता में यही कहते हैं, जब भगवान को कोई चीज भोग लगती है वो क्या प्रसाद, ठाकुर का वो प्रसाद हो जाता है। इसलिए घर में आप लोग सुदामा का नाम सुने हो, ये पहले गरीब बना फिर धनी बना, गरीब फिर क्यों बना, अब टीवी में देखे होंगे ना, जब कृष्ण सुदामा गुरुकुल में गए थे, जब जंगल में जा रहे थे, गुरु माता ने सुदामा को चाना दिया, लेकिन उन्होंने भगवान से छुपा कर खाया, इसलिए उसको दरिद्र भोगना पड़ा। धनी कब बना, जब फिर ठाकुर को दर्शन के लिए गया, फिर दो मुट्ठी चिड़िवा लेकर गए थे, ठाकुर एक मुट्ठी खाए, ठाकुर जी दो मुट्ठी खाए तो रुक्मिणी हाथ पकड़ ली, बोली नहीं, अपने दो मुट्ठी खा दिया तो घर उसकी सारे ऐश्वर्य पहुंच गया, अगर तीसरी मुट्ठी खाओगे मैं जो लक्ष्मी घर में दासी बन जाओगी। अब टीवी में देखे होंगे ना, सुदामा जब घर में आता है क्या देखते हैं, राजमहल, उसकी पत्नी राज रानी बनकर बैठी हुई, अपना पत्नी को वो समझ पहचान नहीं पा रहा था, पहचान नहीं पा रहा था अपना पत्नी को, ऐसे सुंदरी राज रानी बनकर क्यों, ठाकुर जी को दिया है, ठाकुर जी को। इसलिए इसका मतलब घर में अगर ठाकुर जी को भोग लगाओगे तो घर में मां लक्ष्मी की कृपा होगी, सुन रहे हो सबके सब, घर में क्या करना, ठाकुर जी को पहले। लेकिन अगर प्याज लहसुन खाते होगे तो भोग नहीं लगा सकते हो, प्याज लहसुन खाते हो, हाँ ये चीज लगाओगे तो फिर भोग नहीं, इसलिए ये चीज को छोड़ देनी चाहिए। जैसे नवरात्रि आती है ना, आप लोग कोई 9 दिन तक प्याज लहसुन खाती हो, हैं? क्यों नहीं खाती हो बताओ, माता जी को पसंद नहीं, हाँ माता जी को पसंद नहीं, हाँ इसलिए माता जी को पसंद नहीं तभी तो नहीं खाते हो, क्या 9 दिन तक दुर्गा दुर्गा फिर मुर्गा मुर्गा, इसलिए सुना, इसलिए जो चीज ठाकुर को पसंद नहीं, जो चीज माँ को पसंद नहीं, जो भगवान को भोग नहीं लग सकता है, वो चीज हमें भी पसंद नहीं आनी चाहिए। ये प्याज लहसुन क्यों नहीं खानी चाहिए, भागवत पढ़कर देखो, जब भगवान सुदर्शन चक्र से जो सौर भानु दत्त धोखे से अमृत पिया, भगवान उसको गला काटे, जहां पर मांस गिरा वहीं से प्याज पौधा हुई, जहां पर हड्डी गिरा वहीं पर लहसुन हुई, भागवत पढ़कर देख लेना। दूसरे पुराण में आती है गैया का मांस से ये प्याज की सृष्टि हुई है। इसलिए आप अपना घर में एक दो पीढ़ी पहले देख लो, तुम्हारे घर में भी प्याज लहसुन नहीं आता होगा, फिर प्याज लाए कौन, बोले मुगल लोगों ने लाए, ये मुसलमान लोगों ने सब चीज लाए, दारू पीना, मांस खाना, मछली खाना, अंडा, प्याज मुगल लोगों ने लाए, वो तो हमारी कोई धर्म नहीं लिया, लेकिन हम उसको धीरे धीरे सब उसकी चीज को अपनाना शुरू कर दिया। इसलिए ये चीज को भोजन नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना, प्याज लहसुन घर से फेंक देना, जो कुछ खाओ भगवान की भोग लगाओ, माँ लक्ष्मी की बड़ी कृपा होगी, घर में लक्ष्मी खूब आएगी भगवान को भोग लगाने से, ठीक है ना, ये चीज को नहीं खानी चाहिए। और एक चीज है, कल एकादशी है, अब लोग कोई एकादशी व्रत रखते हो, कौन कौन रखते हो, हाथ उठाओ तो, कौन कौन एकादशी, हाथ उठाओ जोर से, तुम भी नहीं रखती हो तो क्या करते हो, तुम्हारी मैया इतना भक्त है। देखो एकादशी की थोड़ा 5 मिनट एकादशी की कथा सुन लो, हम लोग एकादशी व्रत क्यों करते हैं, इसको अच्छे तरह ध्यान देकर सुनो। ये जो एकादशी व्रत को बताया, ये कल्पतरु व्रत है, जैसे सोम कोई करते हैं, कोई मंगल, कोई बुध, अलग अलग व्रत रखते हैं, हैं? लेकिन उसका एक ही फल होगा, दो फल नहीं होगा। लेकिन ये 15 दिन में एक एकादशी आती है, अब एकादशी कभी महात्मा को पढ़ करके देखना,
जो कुछ एकादशी करके ठाकुर का मांगोगे ना वही फल मिलेगा। एक एकादशी का नाम पुत्रदा। अब भागवत पढ़कर देखना, नंद बाबा का घर में संतान नहीं था, कृष्ण जन्म नहीं हुए थे, नंद बाबा ने सारे व्रत कर चुके थे, सारे दान पुण्य कर चुके थे, लेकिन घर में संतान नहीं। नंद जसोदा ने देखा, हमने सारे व्रत करके देख लिया, लेकिन अभी जो एक पुत्रदा एकादशी, अभी ये व्रत कल पुत्रदा एकादशी है, कहते ये व्रत को हमने नहीं किए। इसलिए जब उन्होंने पुत्रदा एकादशी की ना, भगवान कृष्ण घर में आए, ठाकुर जी स्वयं उनके घर में आए हैं। इसलिए एक एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी, दूसरे एकादशी का नाम है मोक्षदा। मोक्षदा मतलब होता है जो एकादशी करने से संसार से मुक्ति मिल जाती है। एक एकादशी का नाम अर्णदा। अर्णदा मतलब है जिस घर में भोजन की कम, जिनके घर में है, कहते वो एकादशी कर दो, घर में अर्ण आती है। एक एकादशी का नाम इंदिरा। इंदिरा मतलब होता है लक्ष्मी। जिनके घर में लक्ष्मी की कमी है वो एकादशी व्रत कर दो, घर में मां लक्ष्मी की कृपा होती है। एक एकादशी का नाम पाप मोचनी। संसार में हम दुख कष्ट क्यों भोग कर रहे हैं, ये पूर्व जन्म का कर्म का फल, ये पाप का फल है, लेकिन वो एकादशी करने से जीवन का सारे पाप तुम्हारी नष्ट हो जाएगी। इसलिए ये एकादशी ऐसे एक व्रत है ना, सारे व्रत एकादशी व्रत में रहते हैं। इसलिए भागवत पढ़कर देखो, कोई बार व्रत का नाम नहीं, एकादशी की कथा थी एकादशी। लेकिन कुछ कुछ लोगों का धारणा नहीं, इसको तो विधवाएं करती है, सधवा नहीं करती। अब भागवत पढ़कर देखो, मैया जसोदा विधवा थी ना, सधवा थी, सधवा थी। अब भागवत पढ़कर देखो, जिनकी कथा आती है, श्री अंबरीश महाराज उनकी पत्नी, अब पढ़कर देखना वो कोई विधवा थी नहीं। इसलिए एकादशी व्रत के लिए बताया, 8 साल से लेकर 80 साल तक ये व्रत को सभी को करनी चाहिए। 8 साल से लेकर के 80 साल तक ये व्रत को करनी चाहिए हैं। एकादशी का दिन अर्ण में ये सारे पाप रहता है, कहते गो हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, जितने पाप है एकादशी का दिन अर्ण में पाप रहता है हैं। अगर आप कोई व्रत नहीं करोगे ना, आपको कोई नुकसान नहीं होगी, लेकिन एकादशी का दिन अगर अन्न भोजन करोगे सारे पाप तुमको भुगतना पड़ेगा। इसलिए और एक चीज देख लेना, जैसे कोई व्यक्ति साल साल तक बिस्तरा में पड़ा हुआ, प्राण नहीं जा रहा है, बड़े दुख कष्ट भोग कर रहा है, किसी ब्राह्मण पंडित को बुलाओ, इनकी सदगति कैसे होगी? अब जानते हो क्या बोलेगा? कोई बार व्रत का नाम नहीं बोलेगा, बोले कोई एकादशी व्रत करके फल दे सकते हो? एक ही व्रत का नाम बताएगा, कौन सा व्रत है? देखो मैं अपना अनुभूति बताता हूँ, मैं विदेश जाता हूँ, एक समय में हॉलैंड में गया था, नीदरलैंड में, वहां पर हॉस्पिटल में एक व्यक्ति 2 साल से पड़ा हुआ था, प्राण गले में अटक गया था, प्राण नहीं जा रहा था, पैसा पानी जैसे पैसा खर्चा हो रहा था, लेकिन जब उनको पता चला इंडिया से कोई साधु आया है, तब मेरे को बुला करके लेकर गए हॉस्पिटल में हैं। जब लेकर गए तब मेरे को बोले बाबा इनकी प्राण नहीं जा रही, शरीर बोला हड्डी हड्डी रह गया, बिस्तर में जिस शरीर मान लगा हुआ है, बोले तो मृत्यु नहीं हो रही है, हमने सब कुछ कर लिया, बताओ इनकी सदगति कैसे होगी? बोले एक काम करो, अब जितने घर के जितने सदस्य है आप लोग संकल्प लेकर के एकादशी का फल इनको दे दो। बोला अभी 10 दिन बाकी है, एक एक दिन बड़ा कष्ट से बीत रहा है, इनको दुख देखा नहीं जा रहा है। मैंने कहा एक काम करो, सबके सब आज सबका हाथ में पानी दिया, फूल दिया और मंत्र पढ़ा, बोले तुम संकल्प करो हम सबके सब एकादशी व्रत करके हम उनको फल देंगे। उन्होंने जब संकल्प किया, 2 घंटे के बाद में जो वहां से आया, मेरे पास फोन आया, बोले बाबा उनका शरीर छूट गया है। ये विदेश की बात है। इसलिए ये एकादशी की मैं एक जगह में नहीं, 1000 जगह में हम लोगों ने देखा, जब कोई आता है हम कहते एकादशी व्रत करो, इनका फल आप उनको दो, क्योंकि एकादशी तिथि का जो अधिष्ठात्री देवता है ये स्वयं भगवान बांके बिहारी है, भगवान राम भगवान विष्णु है। एकादशी व्रत, एकादशी व्रत करने से आपको कोई व्रत करने का जरूरत नहीं, इधर उधर है, उसी दिन 12 बजे तक कोशिश करना कुछ नहीं देने के लिए है। इसलिए और उसको बाद में खाने के लिए कोई मना नहीं, अगर कोई बीमारी हो खाने के लिए कोई मना नहीं। इसलिए फल फूल खाओ, जैसे कुट्टू का आटा का पकौड़ी भी बना कर खा सकते हो, मखाना भी है, मूंगफली है, फिर आलू की सब्जी बना करके, पपीता काशी फल की सब्जी, कचक लगा सब्जी बना करके आप सब्जी खा सकते हो। इसलिए कोई, लेकिन 12 बजे तक कोशिश करना नहीं खाने के लिए। अगर किसको ज्यादा ही कोई दिक्कत है आप उसमें 2-3 बार खा सकते हो, लेकिन कोशिश करना अन्न नहीं खाने के लिए। अन्न में जैसे गेहूं दाल चावल, अब लोगों को पता होगा जैसे नवरात्रि में जैसे व्रत रखते होंगे आप लोग को, इसलिए जरूर एकादशी व्रत को आप लोग जरूर, ठीक है ना, घर में अन्न नहीं लानी चाहिए, उसमें गो हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, सारे पाप एकादशी का दिन अन्न में रहता है।
हैं अरण्य में रहता है, जो एकादशी का दिन अरण्य खाएगा सारे पाप उसको भोगना पड़ेगा। इसलिए कहते ना जितने मेडिसिन मेड इट सीन, सीन मतलब पाप है, तेरा माइसिन क्रोसिन देना दवा का नाम, ये सब सीन 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 मतलब क्या क्यों होता है पाप से, ये सब के सब पाप से है, ठीक है ना। एकादशी व्रत कोई व्रत नहीं करो लेकिन एकादशी व्रत जरूर करो। आप लोग इसमें साइंस क्या है देखो, आप लोग तो लिखे बट थोड़ा इस विषय में समझ लो इसमें क्या साइंस है एकादशी में, ये चीज अच्छे तरह समझो। देखो ये हमारी जो शरीर है ना एक मशीन है, क्या है शरीर, अगर कोई भी मशीन उसको बंद कर दो पांच मिनट सुन लो, कोई भी मशीन को अगर आप कंटिन्यू चलाओगे कोई भी मशीन को ज्यादा दिन नहीं चलेगा, कोई भी मशीन को जैसे फैन हो घर में कोई भी मशीन ज्यादा दिन चलेगा नहीं चलेगा, लेकिन किसी मशीन को अगर चलाओ मशीन को उसको बीच बीच में रेस्ट देकर चलाओ वो मशीन ज्यादा दिन चलेगी। शरीर भी मशीन, जैसे बच्चे लोग स्कूल पढ़ते हैं सैटरडे संडे छुट्टी रहती कि नहीं, छुट्टी रहती है ना, बोले क्यों बच्चों को सात दिन पढ़ाओ ना बढ़िया बढ़ेगा, बोले पागल हो जाएगा, इसलिए देखना स्कूल जाते होंगे बीच में एक रिसेस होता है ना खेल छुट्टी होता है, बोले क्यों आधा घंटा अगर घूम लेते हैं बच्चे का माइंड फ्री हो जाता है फिर पढ़ाई करते हैं, है इसलिए सैटरडे संडे दुकान हर चीज बंद रहता है, है? उसी तरह ये शरीर भी एक मशीन है, अगर ये मशीन को अगर हम कंटिन्यू बकरी जैसे मुंह चलाते रहोगे ना बकरी जैसे दिन भर खाते रहोगे ये शरीर तुम्हारी बीमारी हो जाएगी, हाँ बीमारी हो जाएगी। इसलिए क्या बोले हमारे शास्त्र लोग ने क्या बोले भाई 15 दिन में एक बार इसको शरीर को क्या करो रेस्ट दो। अब लोग सुने होंगे अभी अभी शायद साइंटिस्ट ने रिसर्च किया है अगर शरीर को अगर जो व्रत रखते हैं अगर शरीर को भूखे रखोगे ना कैंसर तक भी सही हो जाता है, हाँ बैक्टीरिया उसको बीमारी को खाना शुरू कर देते हैं, अभी साइंटिस्ट लोगों ने रिसर्च किया और भी बहुत सारी रिसर्च हुई है। अभी जो अभी मेरे को शुगर है किसी ने बताया बोले सवेरे अगर इसको 12 घंटा तक भूखे रखोगे शरीर को 12 घंटा में हजम होने लगता है, इसको 4 घंटा 16 घंटा बाद में खाओगे धीरे 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 शुगर का बीमारी एक दिन पूरा संपूर्ण खत्म हो जाएगी शुगर की बीमारी। इतने इसलिए हमारे ऋषि मुनि ने जो हमें भारत में बताते ना व्रत व्रत करते किस लिए करते हैं, साधु संत ने क्यों बताया, इसलिए बताए ये शरीर को स्वस्थ रखने के लिए है, इसलिए इतने इसमें फायदा है। और दूसरी चीज है इसमें जो साइंटिफिकल बात बताए ये एकादशी का दिन हम क्यों प्रश्न होता है ना एकादशी का दिन क्यों व्रत रखे, और भी तो कई व्रत रख सकते हो एकादशी में क्यों, उसमें क्या साइंस है। अब लोग सुने होंगे समुद्र पानी में एक हाई टाइट होता है, सुने होंगे हाई टाइट होता है ज्वार भटा होती है, ये कब होता है ये एकादशी से लेकर के पूर्णिमा तक, कभी जो चंद्रमा ये पृथ्वी को खींचती है पृथ्वी चंद्रमा को दोनों दोनों को खींचते हैं, लेकिन चंद्रमा तो पृथ्वी को खींच नहीं सकती इतने बड़ी पृथ्वी को, लेकिन उसका प्रभाव पड़ता है पानी के ऊपर में, इसलिए जो समुद्र किनारे में रहते हैं हमारे मंदिर जैसे वहां पर है हम देखते एकादशी लेकर पूर्णिमा तक जब चंद्रमा जितने बढ़ती रहेगी उसका प्रभाव पानी के ऊपर उतना अफेक्ट पड़ता है, वो लहरी बड़ी बड़ी लहरी आएगी पूर्णिमा दिन तो इतने बड़ी बड़ी लहरियां मना कर देते हैं जो मछुआरों को उस दिन कोई मछली पकड़ने के लिए मत जाया करो है, इसलिए खींचती है। इसलिए कहते हैं हमारे जो शरीर है वो 5 चीज से बना हुआ, कितना चीज से बताओ किस किस चीज में, जोर से बोलो हाँ बोलो ठीक बोलो अच्छी बात। इसमें इसमें मिट्टी वायु जल आकाश अग्नि से बनी हुई, लेकिन इसमें ज्यादा क्या चीज है बोलो पानी, कितना परसेंट 75% इसमें पानी, इसलिए पानी होने का तो चंद्रमा पानी को खींचता है पानी को ऊपर प्रभाव पड़ता है। इसलिए आप लोग नजर लगा कर देखना जब एकादशी आएगी जिनके घुटने में दर्द है जिनकी कमरे में दर्द है जिनको कोई बीमारी आप देखना एकादशी का दिन थोड़ा ज्यादा उसमें दर्द होगा क्योंकि उसको प्रभाव पड़ता है। पूर्णिमा दिन तो इतने दर्द होगा सो भी नहीं सकते हो, आप किसी हॉस्पिटल में चले जाओ किसी हॉस्पिटल में आप नजर करके देखना बीमारी लोग ज्यादा कब आते हैं देखना एकादशी लेकर पूर्णिमा तक, किसी शमशान के पास में आप चले जाओ देखना लोग ज्यादा मरने वाले की संख्या कब है एकादशी लेकर के पूर्णिमा तक ज्यादा मरते क्योंकि उसका प्रभाव शरीर के ऊपर पड़ता है। इसलिए जब हम एकादशी का दिन जब हम व्रत रखते हैं उसमें फलमूल खाने के लिए क्यों बताया या अन्न खाने के लिए क्यों नहीं बताया, कारण है आप लोग जैसे चावल है जैसे गेहूं उस स्पंज जैसे होता है, अब रोटी खाओ थोड़ी देर बाद में प्यास लगेगी, प्यास लगेगी नहीं, चावल खाओ प्यास लगेगी लेकिन फल खाओ प्यास लगेगी नहीं लगेगी। देखो हमारे ऋषि मुनि लोग कितने बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, ये सब प्यास को पानी नहीं मांगेगा,
इसलिए जितना रोटी खाएंगे ना, जितना चावल खाओ उतना पानी, जितना पानी शरीर में जाएगा उतना बीमारी होगा, क्योंकि चंद्रमा का इसके ऊपर में प्रभाव पड़ेगा। इसलिए ऋषि मुनियों ने जो जो बताया ना वो सब साइंस है इसके ऊपर में है। इसलिए क्या करना, कौन सा व्रत रखना, एकादशी व्रत रखना, एकादशी दिन घर में अन्ना नहीं बनानी। कल से एकादशी व्रत है, ठीक है, कल पुत्रता एकादशी है, तुम्हारे तो पुत्रता ऑलरेडी है ही है, और तुमको क्या देगा, भक्ति रूपी पुत्र देगा। कौन सा पुत्र देगा, भक्ति प्रेम रूपी पुत्र तुमको ठाकुर जी देंगे, ठीक है ना। हाँ, कल से एकादशी व्रत घर में कोई अन्न बन बनाया करो, ठीक है, और घर की माता तुम हो, इतने बढ़िया भोजन बनाओ ना, फ्रूट क्रीम बनाओ ना, बढ़िया बढ़िया से पकौड़ा बनाकर खिलाओ, बच्चे लोग बोले भैया कब एकादशी आएगा हमारे मंदिर में, हमारे मंदिर में ना, हर सब लोग चाहते ना बढ़िया बढ़िया, रोज रोज रोटी दाल रोज खा रहे हो इधर रोज, लेकिन एकादशी कहते ना हमारे मंदिर में, कभी कभी भक्त लोग बनाते ना, संत लोग को देखते भाई एकादशी कब, अभी तक एकादशी नहीं आ रही, एकादशी इतने इतने तो बढ़िया बढ़िया भोजन बनाओ ना, बच्चे भी रुचि करके बोले मैया एकादशी कब आएगी, हम थोड़ा अलग चीजें बनाया करें एकादशी का दिन, ठीक है ना। इसलिए इनको खाने बढ़िया खाने में तो ही चाहते ना, इनको बढ़िया बढ़िया खिलाया करो, ठीक है, और जो कुछ खाओ भगवान को भोग लगा करके, और गले में सबके सब तुलसी कंठी पहनो, ये तुलसी लक्ष्मी है, इसमें बहुत सारे मेडिसिन है तुलसी, इसमें कोई लकड़ी नहीं है, इसमें सबसे ज्यादा मेडिसिन ये तुलसी वृक्ष में, ठीक है। भगवान का नाम जप करो, तिलक लगाओ, भगवान भजन करो, सवेरे उठ करके दोनों दोनों को याद रखना, जब तक ये एक दो माला नहीं करेंगे खाना नहीं देना, आप भी उनको नजर रखना, जब तक ये भी माला नहीं करके बोले तुम तो मेरे को माला करा तुमने की कि नहीं, ठीक है ना, दोनों दोनों को नजर रखना। देखो कहते वही पत्नी पत्नी है जो पति को प्रभु का भजन में लगाई, कहते वही पति पति है जो पत्नी को प्रभु का भजन में पत्नी को लगाई, वही पत्नी पत्नी, नहीं तो पति पत्नी नहीं है, है? ये तो विषय भोग कहीं का आटा खाना बन गया। इसलिए कहते तब भी पत्नी पत्नी है जब पति को भजन में लगा करे, ठीक है ना। आपको देख कर बच्चे सीखेंगे, इसलिए कल से आज से भगवान की माला है, नहीं तो क्या है, इसलिए हमारे पास में आ जाना, मन की शांति है जी, सुबह के टाइम पूजा करते हैं, सुबह के टाइम पूजा, देखो कहते कली जी को क्या बोला, नाम आधारा है, इसलिए अंतिम समय में ले जाते, यही बोलते बोलते ले जाएंगे, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है, यही बोलेंगे ना। इसलिए मीरा कहते पाए जीवन ने राम रत्न, इसलिए जो कुछ भजन करते हैं उसमें सबसे जो बड़ा भजन प्रभु का नाम भजन है, सबसे बड़ा, ठीक है ना। इसलिए हरि नाम करो, भजन करो, मंदिर में आकर माला, जो जो इच्छा होगी आप माला जब करेंगे हमारे मंदिर में आ जाना, ठीक है, माला ले आना और भजन करो, बच्चों को भी, बच्चों को अंदर में भी ये संस्कार डालो, और अपना बच्चों को भी मंदिर में भेजो, आप लोग भी मंदिर में आओ, पूरा परिवार को ऐसे करो, जिस घर में ठाकुर का सेवा पूजा हो ना वो घर भगवान का धाम वृंदावन बन जाता है, ठीक है। अब भजन करो, बड़े आनंद में सुख में रहो, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, आज के हाँ डालो भजन, और जो हाँ भजन गा रहे बोलो, हरि का भजन कर गा लो, तुम भी गा लो, तुम भी गा लो, दोनों गा लो, फटाफट बोलो, वृंदावन जाऊंगी, मुझे लगे है विरह की पीड़, सखी वृंदावन जाऊंगी, हाँ जाओ जाओ जो तुम गाते हैं, हरि का भजन करो, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, आप लोग सब पीछे पीछे ताली बजा कर भजन गाओ, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, हरि का भजन करो, हरि है हमारा, कृष्ण का भजन करो, कृष्ण है हमारा, कृष्ण का भजन करो,
मैंने चल रहे वृंदावन तुम गाओ सावरिया मीठे मीठे बाज मधुर तेरे बाजुरिया
आनंद की जय। हाँ देखो, अगर किसकी इच्छा हो हम भी अपना घर में सत्संग रखवाएंगे, घर में कीर्तन करेंगे, अगर आप लोग बोलोगे तो आपका घर में भी हम आकर के भगवान की कथा कीर्तन कर सकते हैं। घर में अगर भक्त लोग आए, घर में कीर्तन कथा हो, घर का सारे पाप दूर हो जाता है, घर का सारे पाप दूर हो जाता है। जैसे बच्चे का बर्थडे में, जैसे तुम्हारी शादी की सालग्रह में है, कभी अगर बुलाओगे जिनकी, जिस बच्चे को उद्देश्य में, जिनकी उद्देश्य में भगवान का कीर्तन कथा होगी, उनको भी भगवान की आशीर्वाद मिलेगा, उनको भी भगवान की कृपा मिलेगा। ठीक है, अगर कभी इच्छा हो तो ये माता जी यही रहती है हाँ, और यहाँ पर कोई इनको अगर बोलोगे नहीं तो हमारे, अगर आप लोग बोलोगे तो हमारे मंदिर पास में इनको बोलोगे तो ये बता देगी, फिर हमारे जब समय होगा हम आकर के आपका घर में सत्संग कीर्तन कर जाएंगे। ठीक है, बोले श्री वृंदावन बिहार जा, एक बार खड़े हो जाओ, खड़े होकर भगवान का कीर्तन में थोड़ा नाच लो। हरे कृष्णा हरि बोल। हाँ सब के साथ थोड़ी सी शरीर को हिलाते हुए नाम कीर्तन कर लिया। बोले हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल। देखो ये जो शब्द आते हैं ना, ध्यान देकर सुनो, इसका नाम गोपी, गोपी मतलब क्या, क्योंकि इसके संस्कृत शब्द है, गो मतलब होता है इंद्रियां, और पी मतलब पीना, जो हर समय कृष्ण भक्ति जो पीते हैं। जब हृदय में ज्यादा आनंद आते ना, कौन नृत्य करेगा, जो दुखी में कोई नहीं नाचते, आनंद में नाचते, इसलिए जिसका हृदय प्रेम में इतने भर जाए वो आनंद अंदर में नहीं रहे और बाहर आ जाए। देखो संसार में हम सब नाचते हैं, बताओ कौन नहीं नाचता है, कोई बीवी को सामने नाचता है, कोई पति को सामने, कोई सास को सामने, कोई ननद को सामने, नहीं तो 84 लाख जन्म तो नाच ही रहे। लेकिन कब तक नाचेंगे, जब तक भगवान के कीर्तन में नहीं नाच लो। कभी शादी होगा देखना ना, पी पा करके उल्टा पुल्टा फिल्म ज्ञाना के ऊपर मेन रोड में नाचते हैं, यहाँ तो ठाकुर का दरबार। अगर भगवान के दरबार में नहीं नाचोगे ना, मेरे 84 लाख जन्म नाचना पड़ेगा, इसलिए देख लो किसको सामने नाचोगे। ठीक है, बोले हरि बोल हरि बोल। Yeah.
इधर आधा तो नाच रही और पीछे सब खड़ी खड़ी देख रही। हाँ थोड़ा भगवान कितने नाचोगे तो सब पाप चली जाएगी और जितने मोटी मोटी ना सब पतले हो जाओगे और जो पतले सब मोटी हो जाओगे सब। एक बार तो नाचो हाथ उठा सकते सब हाथ उठाओ नहीं तो अगली जीवन ठाकुर हाथ ही नहीं देंगे। बस ने हाथ नहीं उठाया मेरे कीर्तन में। एक बार शरीर को हिला करके हरी बोल हरी बोल गिरिराज महाराज की सर्व विघ्न विनाशनकारी नृसिंह देव की सपरिकर गौर हरि की भक्त श्रेष्ठ प्रह्लाद महाराज की श्री गुरुपाद पद्म की सपरिकर प्रभुपाद की और ये घर के भक्त वृंद की घर के सारे परिवार की और आए हुए सारे भक्त वृंद की जय जय श्री राधे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सबके सब ठाकुर को सब भोग लगा प्रणाम करो। हटियो हट जा मैं गिर जाऊंगा पागल है क्या समझ के। हाँ जिनकी इच्छा होगा अपने घर में सत्संग कराएंगे हम लोगों को इनको बोल कर जा सकता। बंद कर दे शेयर कर दे एक मिनट लो फिनिश कर दो।